नमस्कार। तो आज आप हम ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखेंगे। तो ब्राइटकॉम की बात की जाए तो रिसेंटली आप लोग नज़र डालोगे ब्राइटकॉम में, तो पिछले 2-3 दिनों से स्टॉक में रिकवरी जनरेट हो पाई है। स्टॉक 14 लेवल के नीचे गया था, पर आज देख सकते हैं स्टॉक ने फिर से तेज़ी बनाई है, 16 लेवल को ब्रेक किया है। पर यहाँ से ऊपर जाता है तो 17 लेवल पर रेजिस्टेंस लगने के चांसेस बनेंगे। ब्राइटकॉम के अंदर वॉल्यूम इतने खास नज़र नहीं आ रहे स्टॉक के अंदर, अभी भी थोड़े पॉजिटिव वॉल्यूम्स आ रहे, पर यहाँ पे पिछले 2-3 दिनों से थोड़े थोड़े कम नज़र आ रहे। पर यहाँ पे आप देख सकते कि इम्पॉर्टेंटली देख सकते कि स्टॉक ने रिकवरी की है पिछले 3 दिनों में अच्छी खासी। पर जब 17 लेवल के ऊपर स्टॉक सस्टेन होगा तो यहाँ पे आप देख सकते कि आप लोगों को ऊपर 20 लेवल के ऊपर जाने के चांसेस बन सकते हैं। रिसेंटली स्टॉक क्यों वीक है, क्योंकि यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज 100 और जो है 50 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेडिंग करा है और काफ़ी गिरावट भी हो चुकी है स्टॉक के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है वीकनेस की वो है कि क्वार्टर 3 के नतीजे अभी तक सामने नहीं आए और डिस्प्ले भी नहीं हुए दिसंबर क्वार्टर के। आप लोग नज़र डालोगे तो सेप्टेम्बर क्वार्टर में नतीजे आए थे, उसके बाद जो है दिसंबर क्वार्टर में आप लोग देख सकते हैं कोई भी नतीजे नहीं है, तो उसके ऊपर भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हुए दिखाई दे रहे, जिसके कारण यहाँ पे मोमेंटम थोड़ी सी वीक और बनती हुई दिखाई दे रहे हैं।